साल था 2010, जब रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में पंजाब के खिलाफ खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में बनाया था। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक आने में 2 साल का लंबा समय लगा था, लेकिन WPL यानी महिला प्रीमियर लीग का सबसे तेज अर्धशतक आने में मात्र 4 दिन और 6 मैचों का समय लगा और WPL का सबसे तेज अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। महिला IPL का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह दुनिया में लोकप्रिय होता जा रहा है। महिला IPL के अभी मात्र 6 मैच ही हुए हैं और कई रिकॉर्ड बन गए हैं, चाहे फिर 200 से ऊपर का स्कोर हो या सबसे तेज अर्धशतक। 8 मार्च 2023 वृंदावन स्टेडियम, जिसमें WPL की सबसे तेज 50 मात्र 18 गेंदों में गुजरात जायंट्स की बल्लेबाज सोफिया डंकले के बल्ले से आई। दरअसल 8 मार्च को गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच WPL का 6वां मैच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत तलाश कर रही थीं, जिसमें गुजरात जायंट्स की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और गुजरात की टीम बिल्कुल अलग अंदाज में मैदान में उतरी थी। आज ऐसा लग रहा था मानो गुजरात जायंट्स की टीम अब दोनों हार का बदला लेना चाहती हो। गुजरात की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आईं सबिनी मेघना और इंग्लैंड की खिलाड़ी सोफिया डंकले, जिसमें डंकले ने रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों को आते ही जमकर पीटना शुरू कर दिया और मात्र 18 गेंदों में 50 जड़ डाली। इस मैच का पहला ओवर मेगन स्कट ने डाला, जिसमें कोई रन नहीं आया और पहला ओवर मेडन रहा, लेकिन सोफिया डंकले ने दूसरे ओवर की तीसरी और छठवीं गेंद पर 2 चौके लगाकर अपनी विस्फोटक पारी की शुरुआत की। तीसरा ओवर डालने आई मेगन स्कट, जिन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था, डंकले ने उन्हें उसी ओवर में 3 चौके लगाए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सबिनी मेघना आउट हो गई। लेकिन हरलीन देओल के साथ मिलकर पहले तो सोफिया डंकले ने 18 गेंदों में 50 रन पूरे किए और फिर 65 रन के स्कोर पर श्रियंका पाटिल की गेंद पर हैदर नाइट के हाथों कैच आउट हो गई। सोफिया डंकले ने इस पारी में कुल 11 चौके और 3 छक्के लगाए और WPL में सबसे तेज शतक लगाकर न सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि IPL के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा का सबसे तेज अर्धशतक का भी रिकॉर्ड तोड़ा। जो कारनामा IPL शुरू होने के 2 साल बाद हुआ, वही WPL में शुरू होने के मात्र 3 दिन बाद आया है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो वुमेंस क्रिकेट को भी सपोर्ट करें, क्योंकि आज वुमेंस क्रिकेट को सिर्फ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है आपका और हमारा सपोर्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।